और दोस्तों फिलहाल हम जा रहे हैं इंडिया के लास्ट विलेज माणा में। भाई सुना ही था इसके बारे में, पर आज देख रहे हैं यहाँ ट्रैफिक क्या है। भाई जो सामने बोर्ड आ गया है, जश्न मना रहे हैं, फोटो क्लिक करा रहे हैं। यहाँ पे सीमा समाप्त है भाई। अरे प्रधानमंत्री आ रखे हैं। इसके बाद आएगा सीधा चाइना बॉर्डर। भाई देखो सामने बोर्ड पे बैंड आ गया यार, बैठो तैयार होकर जाओ। भाई ये है सामने वो माणा विलेज, गाड़ियां लगी हैं यार वो सारी, देखो ये पार्किंग वगैरह है, पार्किंग भाई। चलो बद्रीनाथ के साथ साथ हमने इंडिया का लास्ट विलेज भी देख लिया, जो कभी सुना ही था, देखा ही था फोटो में, वो भी देख लिया हमने आज। भाई स्काई का कलर देखो क्या प्यारा आ रहा है यार, ब्लू बिल्कुल। और दोस्तों आ गए हम इंडिया के लास्ट गांव माणा में। तो दोस्तों आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे ना सभी दुकानें बंद हो चुकी है भाई, तालों पे ना सील लगा दी इन्होंने, क्योंकि आज लास्ट डे है बद्रीनाथ का। और फिर सभी नीचे जा रहे हैं भाई, ये जो यहाँ के लोकल्स हैं ना वो नीचे रहेंगे कहीं पे जाके। और दोस्तों यहाँ से व्यू देखो यार क्या सही आ रहा है ना भाई, हर कुछ यार। और इनके झंडे अलग है, फ्लैग्स देखो येलो कलर के लगे हैं। बाकी यहाँ से नदी भी दिख रही है भाई, व्यू बहुत तगड़ा है यार यहाँ से। और भाई जितने बद्रीनाथ आए थे ना वो सभी माणा विलेज तो जा ही रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, गाड़ी की पार्किंग आपने देखी जैसे। और यहाँ पे ना कुल्लू जैसे कपड़े हैं, मतलब वही वाइब है भाई, कसोल जैसी वाइब है, सेम जैसी कसोल में वाइब थी वैसी सेम यहाँ पर है। तो भाई अभी जाते हैं जो लास्ट वो है ना वहाँ पे जाएंगे लास्ट दुकान पे। यहाँ से देखो कितने बड़े बड़े पहाड़ यार, वही वो सामने दिख रही है अब दुकान, इंडिया की लास्ट दुकान। वो देखो मैं जूम करा थोड़ा सा, देखो ये रही भाई वो दुकान, अभी जाएंगे इसके पास फिर दिखाएंगे आपको। और उधर रहा भाई वो चाइना बॉर्डर। भाई यहाँ पे ना एक सरस्वती नदी है, तो उसका कुछ हिस्ट्री है भाई, मुझे इतना नहीं पता, तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको जब अभी, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती, ऐसा कुछ सुनने में आता है उसको शराब मिला है कुछ ऐसा ही है। और ये भाई माँ सरस्वती मूर्ति, ये लिखा है मूर्ति दर्शनीय है भाई माँ सरस्वती की मूर्ति। और अभी आगे चलते हैं, नदी दिखाऊंगा आपको मैं, सरस्वती नदी। और सामने ये वाइट मंदिर है, ये भीम का मंदिर है, पता नहीं कौन सा मंदिर है, अभी कंस्ट्रक्शन में आई है भाई। ये रही नदी वो सरस्वती नदी, इसका कुछ शराब मिला था कि ये दिखाई नहीं देती जहाँ से निकलती, कुछ ऐसा है, बाकी ज़्यादा मुझे भी नहीं पता। तो भाई ये है वो नदी, देखो दूध की तरह सफ़ेद पानी है यार इसका। और भाई जो ये अभी सामने देख रहे हैं ना पत्थर पे निशान, ये यहाँ पे बता रहे थे कि ये भीम के हाथ के निशान है, हाथ या पैर के निशान है, कि जब पांडव आए थे ना यहाँ पे तो उन्होंने यहाँ रखा था कोई पत्थर। और यहाँ से व्यू देखो यार क्या सच में, मतलब जो आंखों से दिख रहा है ना भाई, कैमरा उसको दिखाई नहीं सकता कभी, क्या लग रहा है ना वो, देखो नदी सामने यार, अलग ही कलर है भाई उसका, हर कुछ व्यू है भाई हर कुछ। तो भाई ये रही इंडिया की लास्ट दुकान अंतिम चाय, यहाँ पे महात्मा गांधी की फोटो भी लगी है सारे, यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भाई यहाँ पे एक पत्थर रखा था भीम ने पांडव के लिए जाने के लिए, रास्ता बनाया था नदी के, कुछ ऐसा कुछ था यहाँ का हिस्ट्री। बाकी एक बार आपको ये दिखाता हूँ मैं, देखो यहाँ से निकलती है सरस्वती नदी, यहाँ पे कोई पत्थर को ये पत्थर है जो रखा है, ये है भीम पत्थर, और यहाँ से दिखाई देती है बस थोड़ी सी ना, ये जहाँ से निकलती है वहाँ से नहीं दिखाई देती है, बस हल्का सा यही व्यू पॉइंट है इसका, बाकी ज़्यादा नहीं दिखाई देती।
रात के 2 बज रहे हैं। देखो हम आए अभी बद्रीनाथ से वापस ना, तो भाई हमें ना इसकी लाइट दिखी और खाली लगा बिल्कुल रात को, तो हमने सोचा इसकी भाई वीडियो बनाई जाए। तो भाई अभी दिखाता हूँ मैं आपको राम झूला, क्या प्यारा लग रहा है ना रात को यार लाइटिंग के साथ। अभी दिखाता हूँ आपको, देखो भी बहुत ज्यादा आ रही होगी भाई, हिल रहा है कसम से यार। और अपने लौंडे लगे हैं इधर 2 बजे, इनको चैन नहीं है भाई, फोटोग्राफी करने लगे हैं।